हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैथ में क्या करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, 10.3 के हमने 6 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे वो। तो आज हम अपने 7th, 8th और 9th क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। एक्सरसाइज कौन सी है ये, 10.3 मैनिपुलेशन चैप्टर। देखो ये 3 मीटर बच गया है, ये 3 मीटर दिया था ना हमें, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हमने 0.5 का निकाल लिया, लेकिन 3 तो प्लस ही नहीं किया उसमें, तो 3 को भी प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर आ जाएगा हमारी बैठ। यहाँ ठीक कर लो, सॉरी ये 3 प्लस करना भूल गए हम, 3 भी दे रखा है उसके साथ में, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर 3 को इसमें ऐड कर देंगे, फिर वो पूरा मीटर में हो जाएगा। 5 मीटर हमारी ब्रेथ हो गई है, लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर।
पॉइंट लगाने का है, इसमें देखूंगा कहाँ लगा हुआ है पॉइंट, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के उससे पहले लगा हुआ है, मतलब एक डिजिट छोड़ा हुआ उससे पहले पॉइंट है, तो आंसर में क्या करोगे, राइट साइड से भी एक डिजिट छोड़ के और उससे पहले क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसको आप 14 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था इसमें, कि हमें कितने कार्पेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब रूम के एरिया के हिसाब से, तो कितने कार्पेट की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ क्या लिखना था, एरिया ऑफ कार्पेट इज इक्वल टू, ठीक है, 14 मीटर स्क्वायर हमें कार्पेट की जरूरत पड़ेगी रूम के एरिया के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया हमारा सोल। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर उसकी ब्रेथ है, अ स्क्वायर कार्पेट ऑफ साइज 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेटेड। अब की बार इसने क्या दिया है, कार्पेट का एरिया नहीं पूछा है कि कितना कार्पेट चाहिए, और ऑलरेडी है रूम में कार्पेट, लेकिन इसने ये पूछा है कि रूम में रूम का एरिया निकाल के और कार्पेट का एरिया निकाल के ये बताओ उसमें से माइनस करके कि कितना रूम में एरिया बचा हुआ है जो कार्पेट से कवर नहीं है, ठीक है, जो साइड में हमारा एरिया बचता है, जो जगह बचती है, हमें वो निकाल के बता दिए कि हमारे रूम में वो कितनी बची हुई है। तो कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ ऑब्वियसली रेक्टेंगल शेप रूम है, ठीक है, कार्पेट की साइड दे रखी है, एक ही साइड दे रखी है, मतलब क्या है, स्क्वायर कार्पेट है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। क्या करेंगे, रूम का एरिया निकाल के और फिर निकालेंगे कार्पेट का एरिया जो कि एक स्क्वायर के शेप में हमें दिया गया है, और फिर उसके रूम के एरिया में से जो स्क्वायर शेप के शेप का कार्पेट है उसमें से माइनस कर देंगे, रूम के एरिया में से कार्पेट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो बाकी हमारी जगह बची है रूम में उस वो आ जाएगी, ठीक है, कि कितनी बची हुई है, पापा के बाद हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पहले जो गिवन है वही लिखते हैं, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ फ्लोर कितना है, एक क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ फ्लोर कितना है, 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ फ्लोर कितनी दे रखी है, ब्रेथ ऑफ फ्लोर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 4 मीटर, तो एरिया ऑफ फ्लोर निकाल दो, कितना निकलेगा, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर हमारा किस शेप का है, ऑब्वियसली लेंथ ब्रेथ के बदले रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको बताइए होगा, एरिया का कितना होता है, क्या होता है, सॉरी लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ उठ कर दो फॉर्मूले में, 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, माइनस
माइनस 9 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 11 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास हमारे रूम में इतना बचा हुआ जो कि इसमें कार्पेट कुछ नहीं है, ठीक है, नॉन कार्पेटेड है। तो ये हमारा आंसर आ गया 11 मीटर स्क्वायर। आप इसे नोट कर सकते हो अगर करना है तो। नाइन्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या देखते हैं। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर विड्थ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड? ठीक है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स है जिसकी हर एक साइड 1 मीटर है और वो मतलब जमीन में कितने लेंथ से कितनी ब्रेथ से खोदा गया है 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर ब्रेथ से। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड? जो हमारे लैंड में जो रिमेनिंग पार्ट बचा है हमें क्या निकालना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? पहले जो ये 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स है पहले इसका एरिया निकालोगे और फिर निकालोगे लैंड का, ठीक है, और फिर उसमें से इसको माइनस कर दोगे, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर दे। क्वेश्चन है हमारा 9। पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, फ्लावर बेड के बारे में पहले बताया गया, तो पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर बेड, साइड ऑफ स्क्वायर बेड वन मीटर, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर बेड साइड ए साइड ए टू साइड तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर कितना आ जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर 5 स्क्वायर का बेड से 5 स्क्वायर है, तो जितना एक का आया है उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 5 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स जो लैंड में जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बचा हुआ है?
50 मीटर्स पर। आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है। इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, मतलब पहले क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं, वो जरूर से जरूर देखें, अपने चैप्टर को कंप्लीट करें, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके इन चैप्टर्स का, इन क्वेश्चंस का, और अच्छे से वो भी समझ सके, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।